नए नए आईएएस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम देखेंगे 60 महत्वपूर्ण प्रश्न सितंबर और अक्टूबर को लेकर के। तो पहला है, 1 अक्टूबर 2021 में द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जिसे जीमैक्स 2021 किन देशों के मध्य हुआ था? तो भारत और जापान के मध्य हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, किस राज्य के उमनगोद नदी को सबसे स्वच्छ नदी घोषित किया गया है? यह जो है मेघालय राज्य का नदी है। डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2021 किसने जीता है? एफसी गोवा ने। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ हुआ? ओस्लो में हुआ है। दालचीनी की संगठित खेती करने वाला पहला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश बना है। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? यह 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? मारिया रेसा और दमित्री मुर्तोव को दिया गया है शांति का नोबेल पुरस्कार। सरकारी एयरलाइंस एयर इंडिया को टाटा सन्स ने कितने में खरीदा है? 18,000 करोड़ में खरीद लिया है। अक्टूबर 2021 में भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? बीसी पटनायक को बनाया गया है। टी ट्वेंटी क्रिकेट में 400 छक्के मारने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? रोहित शर्मा पहले भारतीय खिलाड़ी है जिन्होंने टी20 में 400 छक्के। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, जिम कार्बेट नेशनल पार्क का नया नाम क्या है? राम गंगा नेशनल पार्क रखा गया है। दोस्तों, चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शिक्षक दिवस कह रहा है तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। कॉमनवेल्थ गेम 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? बर्मिंघम करने वाला है। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? यह 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। किस राज्य के वाड़ा कोलम चावल को जीआई टैग मनाया दिया गया है? महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? यह 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। कपास के लिए जो है काली मिट्टी होती है, उपयुक्त मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, एएसआई टेबल टेनिस 2021 का आयोजन कहाँ होगा? यह जो है दोहा में होगा। राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? 2 से 8 अक्टूबर के मध्य मनाया जाता है। भारत और किस देश के बीच 4 अक्टूबर 2021 से संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति का आयोजन किया गया? यह जो है मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ था। केंद्र सरकार ने नमामि गंगे मिशन का आधिकारिक शुभंकर घोषित किया है चाचा चौधरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, दिवाली में गाय के गोबर पंचगव्य उत्पादों के व्यापक उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कौन सा अभियान प्रारंभ किया गया है? कामधेनु दीपावली अभियान के नाम से जाना जाता है। विश्व मुस्कान दिवस कब मनाया जाता है? अक्टूबर के पहले सप्ताह में। वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को। पिंक बॉल टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई है स्मृति मंधाना जो है बन गई है। किस राज्य के चिनौर चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? यह जो है मध्य प्रदेश का चावल है। आईपीएल की एक टीम के लिए 100 कैच पूरे करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? यह जो है महेंद्र सिंह धोनी बने हैं। युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए श्रम मंत्रालय ने मिलकर किस डिजी सक्षम पहल लॉन्च की है? माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में भारतीय पहलवान अंशु मलिक ने कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता है। 2023 में कौन सा देश पहली बार अफ्रीका पैरालंपिक खेलों की मेजबानी करेगा?
वह जो है देश का नाम है घाना। हाल ही में अर्थशास्त्री गांधी नामक पुस्तक किसने लिखी? जीतार्थ राव ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही मर विजयनगर किस राज्य का 31वीं जिला बना? विजयनगर जो है कर्नाटक का 31वां जिला बना है। नवंबर दिसंबर में पुरुष हॉकी जूनियर विश्व कप का आयोजन किस राज्य की मेजबानी में किया गया? ओडिशा राज्य की मेजबानी में किया गया है। दोस्तों, चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जनमत संग्रह के आधार पर किस देश ने 26 सितंबर 2021 को समलैंगिक विवाह को वैध घोषित किया है? स्विट्जरलैंड की सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस राज्य सरकार ने मिशन शक्ति चरण 3 के तहत निर्भया एक पहल कार्यक्रम की शुरुआत की है? यह जो है उत्तर प्रदेश ने शुरुआत किया है। भारत सरकार ने किस राज्य में परशुराम कुंड विकसित करने का काम प्रारंभ किया है? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। किस राज्य की घर की बनी शराब जुडीमा को जीआई टैग प्रदान किया है? असम के जुडीमा शराब को। सौर ऊर्जा से 100% संपन्न होने वाले देश का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? चेन्नई सेंट्रल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर पुस्तक किसने लिखी? इंदिरा न्यूरी ने लिखा है। किस देश ने अपने पूर्वी तट से होशंग नामक एक हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? उत्तर कोरिया ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में ग्रीस ने किस देश के साथ रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए एक रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किया? फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। किस राज्य ने पान मसाला तथा गुटखा पर प्रतिबंध सितंबर 2022 तक लगा दिया है? हरियाणा ने लगाया है। पान गुटखा और मसाला पर प्रतिबंध लगा दिया है सितंबर 2022 तक। 1 अक्टूबर 2021 को दुबई एक्सपो 2020 में भारत के पेवेलियन का उद्घाटन किसने किया? पीयूष गोयल ने किया है। अक्टूबर 2021 में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में स्वामित्व योजना के तहत 3000 गांवों के लाभार्थियों को ई संपत्ति कार्ड वितरित किए हैं? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एएसआई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ हुआ? दोहा में किया गया है। 24 सितंबर 2021 को किस देश ने कोविशील्ड को मान्यता प्रदान किया है? इटली देश ने मान्यता प्रदान किया है। F1 रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता? लुइस हैमिल्टन ने जीता है। अंत्योदय दिवस कब मनाया जाता है? यह 25 सितंबर को मनाया जाता है। राइडर कप गोल्ड टूर्नामेंट 2021 का खिताब किसने जीता? यह अमेरिका ने जीता है। मिड डे मील योजना का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? प्रधानमंत्री पोषण योजना रख दिया गया है। ग्लोबल हेल्थ फाइनेंस के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन का राजदूत किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री गॉर्डन ब्राउन को नियुक्त किया गया है? ब्रिटेन के। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। रिजर्व बैंक द्वारा मास्टर कार्ड पर नियामक प्रतिबंध के बाद यस बैंक ने अपने ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड प्रदान करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? वीजा के साथ साझेदारी की है। सितंबर 2021 में भारत की अध्यक्षता में संपन्न पहली भारत यूनाइटेड काउंसिल वार्ता भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? देवेश उत्तम ने प्रतिनिधित्व किया। सितंबर 2021 में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी बाहरी लेखा परीक्षा के रूप में किसे चुना गया है? जीसी मुर्मू को चुना गया है। सिविल सेवा परीक्षा 2021 में शीर्ष स्थान पाने वाले शुभम कुमार बिहार के किस जिले के हैं? वह कटिहार जिले के हैं। सितंबर 2021 में आर एन रवि किस राज्य के राज्यपाल नियुक्त हुए हैं? तमिलनाडु राज्य के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। स्वास्थ्य देखभाल आपकर द्वारा योजना किस राज्य ने प्रारंभ किया है? तमिलनाडु राज्य ने शुरू किया है। द फैक्चर्स हिमालय पुस्तक किसने लिखी? निरुपमा राव ने लिखा है।
जंगलनामा पुस्तक किसने लिखी? अमिताभ घोष ने लिखा है। संविधान संस्कृति और राष्ट्र पुस्तक किसने लिखी? कलराज मिश्र ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, समर्पण पोर्टल किस राज्य ने प्रारंभ किया? हरियाणा राज्य ने प्रारंभ किया। ये थे 60 टॉप क्वेश्चन जो सितंबर अक्टूबर से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे लेकर के आने वाले हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले सब लोग।